जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीति भी करवट ले रही है। इसी कड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूर्व MLC रही और कश्मीर की बड़ी महिला नेता शहनाज गनई ने दिल्ली में भाजपा के केंद्र कार्यालय में BJP का दामन थाम लिया। जम्मू कश्मीर के चुनावी प्रभारी तरुण चौग और केंद्र मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में उन्होंने BJP की सदस्यता ली। चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये बड़ा झटका है। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी अगली सरकार बनाती है तो वो जम्मू कश्मीर में समान विकास, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार, शैक्षणिक और स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे में सुधार सुनिश्चित करके भेदभाव को समाप्त करेंगे। बुखारी जम्मू के गोल गुजराल में एक सार्वजनिक बैठक का आयोजन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे जम्मू में बदलाव की लहर दिख रही है। लोग एक नई राजनीतिक पार्टी को मौका देना चाहते हैं, क्योंकि वो लगातार पहली की राजनीतिक पार्टियों द्वारा ठगे गए थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को ED ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए नया समन जारी किया है। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला को इससे पहले भी ED द्वारा समन भेजा गया था, लेकिन वो इसमें पेश नहीं हुए थे। केंद्र मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद स्थिति अलग नहीं है। युवाओं के हाथों में बंदूक की जगह किताबें, कंप्यूटर और कलम ने ले ली है। उन्होंने कहा कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर्स देते खुशी हो रही है। केंद्र मंत्री ने बीते सोमवार को केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सरकारी विभागों के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स देने वो जम्मू पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में 1 लाख से अधिक युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर्स सौंपे गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद तमाम सुधारात्मक प्रयासों के चलते जम्मू कश्मीर की GDP पिछले 4 सालों में बढ़कर 2.64 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। सुधारों के परिणाम स्वरूप प्रदेश अब विकास के रास्ते पर है, साथ ही सुशासन का राज और शांति है। 2005 से बिजली बकाए का 28,000 करोड़ चुकाया जा चुका है, ये बड़ी उपलब्धि है। सरकार शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 फरवरी के बाद जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी जम्मू में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित कर सकते हैं। इसके साथ ही विजयपुर एम्स जम्मू, IIM जम्मू, देविका कायाकल्प परियोजना, शाहपुर कंडी बांध सहित कई विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने की संभावना है। लोकसभा चुनाव से पहले PM मोदी के इस दौरे से जम्मू कश्मीर में भाजपा की संभावनाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।